ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर और सहयोग होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का, और चाहे कांग्रेस कुछ भी बोले ये योजना कांग्रेस की नहीं है, ये बीजेपी द्वारा सोची गई योजना प्रदेश की जनता के लिए, उस सूखे इलाके के लिए जहां पानी की दरकार है। और इसीलिए अब ईआरसीपी को पूरा तरीके से भुनाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है 20 सालों का इंतजार जो खत्म होने जा रहा है, समझौता हो चुका है एमओयू पर, एमओयू हो चुका है और अपने आप में बेहद खास बात है वो संशोधन डीपीआर बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे लेकर बात कही जा रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार तीनों के बीच में यहां बैठक हुई, एमओयू हुआ और अपने आप में बेहद बड़ी बात, बेहद खास बात राजस्थान की जनता के लिए। इंतजार बेहद जल्द खत्म होगा और ये उम्मीद जताई जा रही है, यह आश्वासन पुरजोर तरीके से दिया जा रहा है बीजेपी के तमाम मंत्रियों, दिग्गज नेताओं द्वारा और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भी। बहुत जल्द जयपुर लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल इस बीच आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। 4 दिन के बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी, प्रश्नकाल में गूंजेंगे जनहित के मुद्दे और आज शोकाभिव्यक्ति भी होगी। दरअसल पूर्व स्पीकर हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया था, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके अलावा सदन की मेज पर अधिसूचना और वार्षिक परिवेदन रखी जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर गृह विभाग की अधिसूचना रखेंगे। पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। विभिन्न विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ और ज्यादा खास रहेगा, ये जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, हमारे से जुड़ चुके हैं, विधानसभा से सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। योगेश जी, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि विधानसभा का हर एक दिन अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन 4 दिन के बाद एक बार फिर से प्रश्नकाल शुरू हो रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी वाद विवाद होगा, तमाम विधेयक होंगे जो कि पटल पर आएंगे, तो आज का दिन आपकी नजर में किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, आज का दिन बहुत खास है और एक तरह से एक भावुक समय भी होगा आज, जब शोका अभिव्यक्ति होगी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार विधानसभा के स्पीकर है हरिशंकर भाबड़ा, उनको नमन करेगा आज सदन के तमाम सदस्य और शोक रखा जाएगा, 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। ये मेरे पीछे जो आप पूनम इमारत देख रहे हैं, नई विधानसभा, पुरानी विधानसभा जयपुर के परकोटे में स्थित है, जहाँ से शिफ्ट होकर नई विधानसभा जब बनी थी तो इस विधानसभा को मूर्त रूप और साकार रूप देने का किसी ने काम किया था तो वो हरिशंकर भाबड़ा ने ही किया था। उनकी जिद थी, उनकी इच्छा शक्ति थी और उनका दृढ़ निश्चय था कि ये इमारत खड़ी हो, और आखिरकार उनकी इच्छा शक्ति पूरी हुई, उनका ड्रीम पूरा हुआ और आज हम जिस नई इमारत को देख रहे हैं, ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है आकार के दृष्टिकोण से, कक्षों के दृष्टिकोण से, और इस विधानसभा के अंदर विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों इसके अंदर है। और ये हरिशंकर भाबड़ा की देन थी, उनका निधन हो गया, आज उनको शोका अभिव्यक्ति की जाएगी और विधानसभा में आज माल और सेवा कर जो बिल है वो सदन के पटल पर विचारार्थ रखा जाएगा, साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर जो बहस चल रही है, विवाद चल रहा है, कल मुख्यमंत्री का रिप्लाई आएगा, आज भी उस पर सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के सदस्य राज्यपाल अभिभाषण पर अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे। 11 बजे से प्रश्नकाल होगा। अभी कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान दिया था, उन्होंने घेरा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिजली के मुद्दे पर, बिजली कटौती के मुद्दे पर, बिजली तंत्र के मुद्दे पर, फ्री बिजली के मुद्दे पर, और उसका अभी थोड़ी देर पहले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो बीते दिनों खासतौर से कल जो एक बड़ा समझौता हुआ ईआरसीपी का, उसकी गूंज हमें राजस्थान की विधानसभा में आज सुनाई देने वाली है। बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और ख़ासतौर से उन 13 जिलों से आने वाले विधायक, अभी हीरालाल नागर कह रहे थे वो भी उन्हीं जिलों से आते हैं, कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कह रहे थे कि जिस तरह से ईआरसीपी को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ईआरसीपी अब राजस्थान की उन 13 जिलों की जीवनदायिनी प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आएगी और बड़ा हिस्सा सिंचित क्षेत्र का तो होगा ही, साथ ही पेयजल का जो संकट है, वहाँ के लोग जो त्राहिमाम करते हैं पानी को लेकर, 7-7 दिन में 1-1 बार पानी आता है पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के कई शहरों में, वो समस्या पूनम दूर होती नजर आएगी। तो ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा, और बीजेपी का ये दावा है, हीरालाल नागर ने जैसे कहा कि ये मुद्दा या ये योजना भारतीय जनता पार्टी ने ही
इसको साकार या अंगीकार करने का काम किया था। कांग्रेस ने इस पर राजनीति की है और अब भारतीय जनता पार्टी ही इसको पूरी तरह एक तरह से परियोजना को फंडिंग करने के साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो एमपी के साथ जिस तरह का कहा जा सकता है कि समझौता हुआ है वो राजस्थान की भाजपा सरकार के आने के बाद हुआ है। तो कल एमपी के सीएम राजस्थान आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले, उसके बाद दिल्ली में एमओयू किया गया और इसी एमओयू के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व और खासतौर से घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को शामिल किया था। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 13 जिले मतलब 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ईआरसीपी के जरिए साधना चाहती है। पूनम, 9 लोकसभा सीटें खासतौर से हम बात करें तो भरतपुर की कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो करौली धौलपुर की, दौसा की, अलवर की, टोंक सवाईमाधोपुर की, सीकर की, ये वो सीटें हैं। जयपुर और जयपुर ग्रामीण की सीटें, वो 9 लोकसभा सीटें जो ईआरसीपी के जरिए बीजेपी राजनीतिक तौर पर भी साधना चाहेगी। और ईआरसीपी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा पूर्वी राजस्थान के अंदर और पूर्वी राजस्थान के इस मुद्दे को भुनाने के नज़रिए से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिला और मंडल स्तर पर भी कई कार्यक्रम करने वाली है, लेकिन विधानसभा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। बहरहाल आज बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री को टीकाराम जूली ने घेरा था, तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी जवाब दिया है कि पिछले सरकार के जो कुकर्म थे उन्हें ठीक करने में 2 से 2.5 साल लग जाएंगे, लेकिन बिजली जो संकट है उसको पूरी तरह हल किया जाएगा और राजस्थान की जनता को बिजली को लेकर, राजस्थान के किसानों को बिजली को लेकर कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और बिजली कटौती को लेकर भी तो तमाम जो प्रयास है रोकने के वो भी किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अनियमितता हुई थी उन्हें ठीक करने का, दूर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जी योगेश जी, जैसे कि आपने विस्तार से समझाया है, इस बात से ये तो साफ हो गया कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा तो उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां थी, लोकसभा चुनाव थे, तो मानकर चले कि धीरे धीरे जो टास्क थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं और विपक्ष के लिए जो मुद्दे थे जो कि वो आज सदन में भी उठाते नजर आते लेकिन वो गौण हो रहे हैं धीरे धीरे, तो मान के चले कि आने वाले समय में कितनी चुनौतियां बीजेपी के लिए रहेंगी, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर विपक्ष अब नई स्ट्रैटेजी बनाएगा सरकार को घेरने के लिए। देखिए पूनम, ये बात तो सही है और इस बात में दम भी है कि यार सीपीयू को लेकर इतनी जल्दी भजनलाल सरकार स्टेप्स उठाएगी जिसका अंदाज़ा नहीं था। इतनी जल्दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान आ जाएंगी, इतनी जल्दी दिल्ली में जाकर एमओयू हो जाएगा, केंद्र सरकार अब राजस्थान को जो राशि देने का उसको लेकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देंगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत तेज़ी के साथ जो प्रोसेस बढ़ा है ईआरसीपी को, इसको लेकर 13 जिलों के लोगों की जो उम्मीदें थी उनको गति मिली है, परवान चढ़ी है और इसमें कोई संदेह और शक नहीं है, क्योंकि फरवरी के आखिर तक या मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। तो उससे ठीक पहले इस काम को करना था और इस काम को करने के साथ ही इस काम की को अमली जामा भी पहनाना था जिससे राजनीतिक संदेश तो दिया जाए, साथ ही आने वाले चुनाव में चुनावी लाभ भी ले लिया जाए। तो तमाम जो कोशिशें दिखी वो अपने आप में बहुत ही अहम रही। तो ईआरसीपी के मुद्दे पर, और आपको ध्यान ही है किरण लाल मीणा ने जिस तरह का बयान दिया, डॉक्टर साहब ने मान लिया कि हमारी सरकार ने जो काम किया है वो उनकी कड़ी तपस्या जो रही, उनका संघर्ष था, उसको अब कहा जा सकता है कि वो अब साकार ले रहा है, हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है। तो उन्होंने अपनी सरकार को साधुवाद दिया है क्योंकि बड़ा संघर्ष डॉक्टर किरणलाल मीणा का इस मुद्दे पर रहा था और कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी काम किया था, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने इस दिशा में काम नहीं किया, गहलोत सरकार ने काम किया, ईआरसीपी को लेकर अलग प्रोजेक्ट बनाया गया, स्थानीय स्तर पर स्थानीय बजट के तहत पैसा दिया गया। लेकिन जैसा कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान में सरकार आप बीजेपी की बन गई, एमपी में सरकार बीजेपी की बन गई, तो जो डबल और ट्रिपल इंजन की जो सरकारें हैं वो जब मिलकर कोई काम करती है तो उसकी गति अलग होती है और उसका कहा जा सकता है कि समापन अलग होता है उस काम का, और एक 11 होते हैं तो वो नज़रिए से देखा जाए तो ये जो ईआरसीपी का जो मसला था वो इसीलिए हल हुआ है कि यहाँ पर भी सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनी, दिल्ली में पहले से ही मोदी सरकार है और एमपी में भी बीजेपी की सरकार ने निर्माण किया है। तो ये कहा जा सकता है कि तीनों सरकारें मिलकर अब राजस्थान की ईआरसीपी को लेकर आगे बढ़ी है और चाहे वो चंबल
से पानी लाने की बात हो, जब पार्वती सिंध और चंबल को एक साथ जोड़ना हो, कई जो शहरों को, कई गांवों को सिंचित क्षेत्र में लाना हो, पेयजल की मुद्दे को पूरा किया जाना हो। आज आप ताज्जुब करेंगे कि धौलपुर का इलाका, धौलपुर शहर के बिल्कुल समीप चंबल बहती है जी, बिल्कुल एक किलोमीटर भी नहीं है कि चंबल धौलपुर से सटकर बहती है, लेकिन धौलपुर शहर पानी के लिए मोहताज रहता है, पेयजल के लिए मोहताज रहता है। तो जब ERCP साकार होगी तो निश्चित तौर पर जो पेयजल का संकट धौलपुर के लिए दूर होगा। दौसा राजधानी है, राजधानी का जो शहर है दौसा, 5-5 दिन में एक बार लोगों को पानी गर्मियों के दिनों में मिलता है, तो एक तरह से कैसे वो दिनचर्या अपनी गुजारते होंगे उस इलाके के लोग। और साथ ही ना वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज पनप पाती है, ना वहाँ पर किसी तरह के रोजगार के नए साधन उपलब्ध होता है। और आपको ध्यान, अगर इधर ERCP आती है तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो इन इलाकों से गुजर रहा है वो अपने आप में एक नई विकास की गंगा को बहाने का काम करेगा। जिस तरह से नर्मदा बाड़मेर की तरफ आई थी, तो बाड़मेर जो कभी रेगिस्तान और मरुस्थल के कारण ज़्यादा जाता था, आज वहाँ पर नए सिरे से एग्रीकल्चर ने नई पहचान ली है, खेती की नज़रिए से आज बाड़मेर को जाना जाने लगा है। तो वैसे ही पूर्वी राजस्थान में जब ERCP प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में होगा, तो निश्चित तौर पर हमारे जयपुर शहर के समीप जयपुर की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध, वो भी बहुत अरसे से जो सूखा और रीता है वो भी भरा हुआ नज़र आने लगेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीसलपुर पे अटकी हुई जयपुर के लोगों की सांसों को राहत मिलेगी और ERCP एक जीवनदायिनी प्रोजेक्ट के तौर पर साकार रूप लेता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ा मुद्दा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें तो भी इस मुद्दे पर कांग्रेस राज में भी काम हुआ, लेकिन राजनीति ज़्यादा हुई। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चौंकाने वाला, और भजनलाल सरकार ने खासतौर से इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो पहल है उसको बहुत काबिलेगौर तरीके से लेना चाहिए कि वो इस दिशा में कितनी गंभीरता के साथ काम कर रहे थे। खुद वो भरतपुर से आते हैं, वो जानते हैं कि ERCP का महत्व कितना ज़्यादा है। बिल्कुल, वो उस गांव से, नदबई के उस इलाके से आते हैं जहां पर पानी को लेकर कैसे त्राहिमाम मचता है। तो वो जानते हैं भजनलाल शर्मा कि इस योजना के जरिए, ERCP के जरिए पूरी ERCP बहुल 13 जिलों की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। जी बिल्कुल योगेश जी, आपने सही कहा और जिस तरीके से आपने समझाया जनता भी ये समझेगी। हालांकि राजनीति होती रही है और आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी ERCP को लेकर काम हुए हैं, लेकिन जो मुद्दा था, और आपने जैसे कि कहा कि डबल इंजन की या ट्रिपल इंजन की सरकार, आपसी तालमेल, आपसी सहयोग से ये हो पाया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हो पाया। अब ये आरोप कांग्रेस पर भी लगते रहेंगे ताउम्र, ये भी देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए योगेश जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।